सच में कसम से ये सोच लो जन्नत यही है यहाँ। केदारनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद हम पहुँचे हैं तुंगनाथ मंदिर चोपटा, और ठीक नीचे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है, और वो ठीक बुग्याल होटल रेस्टोरेंट में हमने थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता किया है, और अपना जो सामान था जो बैग वगैरह थे वो हमने वहीं रख दिए हैं। और ये है तुंगनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार, यहीं से ट्रैकिंग शुरू होनी है। लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है जो हमने यहीं से शुरू करनी है, और 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है एक ही दिन में आराम से 5-6 घंटे में आप कर सकते हो, तो अनावश्यक रूप से बैग ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दुकानों में रख दीजिए। चले चलो, रूम वगैरह यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हैं, रूम वगैरह सब कुछ खुल चुके हैं, आपको आसानी से यहाँ रूम भी मिल जाएंगे। जय हो तुंगनाथ भगवान की। तो हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है, 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, आराम आराम से जाएंगे, सारी दुकानें लगभग खुली हैं। ये देखिए बाहर का सुंदर दृश्य, ये तुंगनाथ मंदिर के बारे में थोड़ी डिटेल आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और ये हमारे मन्नू भाई चले चलो, और ये हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके जो भी बैग वगैरह हैं वो आप नीचे दुकानों में रख सकते हैं, क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, तुंगनाथ मंदिर की जो चढ़ाई है। बस हमने थोड़े कैमरे और ट्राईपॉड वगैरह और जिससे वीडियो शूट कर रहे हैं बस वही चीज़ रखी है, बाकी सब हमने सारा सामान अपना दुकान में रख दिया है। चोपटा अपने हरे भरे सुंदर बुग्यालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये देखिए हरे भरे बुग्याल, ये ग्रासलैंड टाइप के जो हैं, प्लेन टाइप के, इनको बुग्याल, यहाँ बुग्याल बोला जाता है। और वो आपको दिख रहा होगा हिमालय में बर्फ, हिमालय पर्वत में बर्फ। चोपटा को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। यहाँ की खूबसूरती को मैं आपको भी कैमरे में दिखा पा रहा हूँ, वो चीज़ नहीं आ पा रही होगी जो आप खुली आंखों से देख सकते हैं। तो आप ज़रूर आइए चोपटा और उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड को देखिए अपनी खुली आंखों से, क्योंकि वीडियो में आप उस चीज़ को अनुभव नहीं कर सकते जो मैं अपनी खुली आंखों से अनुभव कर रहा हूँ। Thank you.
देखिए इतना नीचे से चल के आ रहे हैं हम, और वो ठीक सामने तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर दिखता हुआ, बस थोड़ी हमारी मंजिल रह गई है मन्नू भाई थोड़ा रेस्ट करते हुए, और अभी हमें इस रास्ते से होकर जाकर वो ठीक सामने तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर दिख रहा है। और देखे यहाँ से व्यूज़, फाइनली 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ महादेव के मंदिर, और लगभग हमने नीचे 7:30 बजे से स्टार्ट किया था और 9:30 बजे के करीब हम यहाँ मंदिर में पहुंच गए। और मंदिर में रास्ते में हमें मिले हैं 2 ग्रुप, वो भी एक नैनीताल से, और भैया आप कहाँ से हैं? हरिद्वार से। तो आपको उन ग्रुप के मेम्बर से मिलाते हैं। और देखिए ये है पहला ग्रुप, ये है नैनीताल से। हाय, क्या शुभ नाम क्या है भैया आपका? सुमित बिष्ट। अच्छा आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं? दूसरी बार। अच्छा पहली बार कब आए थे आप? पहली बार दिसंबर में आए थे। अच्छा अच्छा, अभी आपका कहाँ प्लान है जाने का? अभी इससे आगे अभी हम जा रहे हैं केदार चंद्रशिला। अच्छा, उसके बाद केदारनाथ। अच्छा, चंद्रशिला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ट्रैकिंग है अच्छी, बहुत अच्छा व्यूज आता है वहाँ पे चंद्रशिला का। लेकिन किसी को आना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, और जाना भी चाहिए। हम लोग नैनीताल से आए हैं, हमारे साथ 4 लोग आए हैं बाइक से। भैया आया कर दो। चलिए आपको मिलाते हैं दूसरे ग्रुप से, एक ग्रुप और मिला है। ये देखिए ये लोग हरिद्वार से आए, हमारे मित्र लोग, भाई लोग। कैसे हो सारे? और ये हमारे साथियों साथ हरिद्वार से, और आप शायद केदारनाथ भी थे? केदारनाथ से गए रहे हैं? नहीं, 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 अच्छा 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 अच्छा, ये भाई लोग हमारे हरिद्वार से आए हैं। क्या पहली बार आए हैं आप? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बड़े भाई से मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना भाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत मजा आ रहा है सच में, कसम से। ये सोच लो जन्नत यही है, यहाँ आना है भाई जरूर आओ। और बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए एक भाई से और मिलते हैं हमें, पर्सनली डिमांड पर हम इनको भी अपने चैनल में ले रहे हैं, अपने व्यूज में ले रहे हैं। मैं सीएस का ड्राइवर हूं, पहली बार आया हूं यहां पे। कैसा लग रहा है आपको पहली बार आके यहां पे? बहुत बढ़िया। अरे ठीक है ठीक है, महादेव का आशीर्वाद और सब पर बना रहे, कोरोना काल जल्द से जल्द खत्म हो, सब लोग अपनी पुरानी स्थिति में लौटें, बस यही एक प्रार्थना लेकर हम महादेव के दरबार में पहुँचे हैं। बस अब थोड़ा मंदिर के दर्शन वगैरह करते हैं और यहाँ के व्यूज़ आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। खड़ा हूँ भगवान तुंगनाथ महादेव के मंदिर के ठीक सामने, और यह मंदिर भगवान शिव का विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। केदारनाथ मंदिर लगभग 3,500 समुद्र तल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर है, और तुंगनाथ का मंदिर जो है वो लगभग 4,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और पंच केदारों में जो तुंगनाथ महादेव का मंदिर है, तिप्ते केदार में सम्मिलित है। यहाँ भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थी, और इसका भी पंच केदार में अपने आप में अलग महत्व माना जाता है। और यहाँ की स्थिति आप देख, अभी यहाँ रेनोवेशन का भी काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है अभी, और अभी भी काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए।
तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद घर जाने की तैयारी, और हम निकल रहे हैं घर को। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।